अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन बातचीत होती रहती है, वीयू के मसाइल के बारे में, वीयूएलएमएस के प्रॉब्लम के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल टाइम आपके प्रॉब्लम्स हो ना वो डिस्कस किए जाएँ आप लोगों के साथ। आज पहले एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हाउ टू सेलेक्ट योर बायो लैब के बारे में छोटी सी वीडियो थी, 2-3 मिनट की। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो कोई भी लैब सेलेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं और 3 तरीक़ से लैब स्टार्ट है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि अपने lms@gmail.com अपना gmail.com ओपन करें और आपको फ़र्स्ट टाइम जब वीयू ने एक एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर दिया था उसके ऊपर आपको एक ई मेल दी होगी, ठीक है। ई मेल जो है उसका फॉर्मेट ये होता है कि आपका, अभी आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ, उसका फॉर्मेट होता है स्टूडेंट आईडी, जो भी आपका स्टूडेंट आईडी है। ये पहले स्टूडेंट आईडी @vu.edu.bk, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है स्टूडेंट आईडी जो भी आपका हो @vu.edu.bk। इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रेस करना है और इसका जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड दिया गया था आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर पे, अगर आपने अब तक चेंज नहीं किया तो वही होगा, अगर चेंज किया है तो जो आपका नया पासवर्ड है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको लॉगिन करते हैं। इसके बाद अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो इसको रीसेट करने की वीडियो इंशाल्लाह ताला कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, वो मेरे माइंड में है कि इसको कैसे, इसे ये वैसे मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है इसको पासवर्ड को रीसेट करने की वीडियो। आपने सिंपल अपना ये अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद इसकी एक्टिविटी में जाना है, जिस जिस सब्जेक्ट की आपकी लैब है उसमें जाने के बाद ये साइनअप के ऑप्शन पर जाना है। हर साइनअप के ऑप्शन के अंदर एक उन्होंने ई मेल आई डी दिया हुआ है, ईमेल आईडी को आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है या यहाँ आपने ईमेल आईडी पे आ जाना है, कंपोज पे आना है आपने। कंपोज मीन जो आप नई ईमेल लिखना चाह रहे हैं ये उसके बारे में। और इधर आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा न्यू मैसेज का, इसमें 2 में जाके आपने वो वाला ईमेल आईडी लिख देना, सब्जेक्ट में लिख देना है आपने रिक्वेस्ट फॉर इनरोलमेंट इन ऑनलाइन बायो आपका जो कैंपस हो जिस कैंपस में आप इनरोलमेंट करवाना चाहते हो वो लिख दें। इसके बाद अब आपका ये एक ईमेल अकाउंट लिखा जाएगा, इसके साथ ये क्रॉस का निशान बन जाएगा। ऐसे ही आपने जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन पे चले जाना है, मतलब एक इसका हमने ईमेल आईडी नोट कर लिया है, अब इस पर आ जाना है हमने Zoo501 पे, इसके साइनअप के ऑप्शन पर जाना है, इसका भी जो ईमेल आईडी, नॉर्मली ये जो ईमेल आईडी होता है ये Zoo501 जो आपका सब्जेक्ट का नाम होगा @vu.edu.bk होगा। यहाँ पे इसके बाद फिर हमने तीसरी ईमेल आईडी पे चले जाना है। तीसरा जो है ये एक्टिविटी है आपकी, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जिनकी लैब ओपन है और इसको भी आपने यहाँ पे साइनअप के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसका ईमेल आईडी भी कॉपी कर लेना है। ये भी सेम Zoo502@vu.edu.bk, इस पे आपने ईमेल आईडी लिखना है। ये आपने इसका टाइटल लिख दिया, टाइटल लिखने के बाद आपने इसके सारी कंप्लीट डिटेल देनी है कि आप इसको कैसे ईमेल के बॉक्स में कुछ भी लिख दें आप, जो आपको आप पसंद करते हैं कि रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू जॉइन लैब सेशन इन माय सिटी लैब lab after announcement, but when I tried to sign up all seats were filled, so kindly accommodate me in my campus. इधर अपना स्टूडेंट आईडी और नेम, ठीक है। आपने इस तरह पहले 3
बाद ऐसे टाइटल लिख देना है, उसके बाद आपने ये कंप्लीट अपनी ईमेल का इस तरह का कोई भी बना के लिख दें। लाजमी नहीं कि यही फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, बट मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है, ये फॉर्मेट इसको आपने लिखने के बाद आपने सेंड के बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने ईमेल अपनी चेक करते रहना है कि आपको उन्होंने अकोमोडेट किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने किया होगा तो कल परसों तक आपको रिस्पांस भी आ जाएगा और परसों आपको लैब को ज्वाइन करने का लिंक भी आ जाएगा। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमने लैब को कैसे ऑनलाइन ज्वाइन करना है, गूगल मीट पे कैसे जाना है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल इसके बारे में यही था कि आप ई मेल ज़रूर कर दें जिस भी लैब में या जिस भी सिटी में आप खुद को अकोमोडेट करना चाहते हैं, और उसके बाद सेंड का बटन दबाएंगे या आपकी ई मेल सेंड हो जाएगी। वेरी मच। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, और डिफरेंट मैं पोस्ट करता रहता हूँ, मैं बार बार चीज़ें नहीं बता सकता, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें आप। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी रियल टाइम इश्यूज हों वीडियो के वो आपको मैं मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आपको उसके लिए फैसिलिटेट कर सकता हूँ। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं मुझे वो भी बता दें, मैं वो भी